हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे र्यूमेटिक फीवर सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो so, फीवर या फिर आर एफ क्या है सो फीवर कार्डियोस्कुलर डिसीज कंडीशन है वैसे तो र्यूमैटिक फीवर मल्टी सिस्टम डिसीज़ कंडीशन है ये मल्टी सिस्टम को इन्वॉल्व करती है आगे हम देखेंगे कैसे सो so, क्या होता है र्यूमैटिक फीवर में र्यूमैटिक फीवर इज एन ऑटो इम्यून डिसीज़ कंडीशन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल र्यूमैटिक फीवर क्या है ऑटो इम्यून डिसीज कंडीशन है ऑटो इम्यून का क्या मतलब है ऑटो मीन्स खुद मीन्स अपने आप इम्यून मीन्स इम्यून रिस्पॉन्स या फिर हमारी इम्यूनिटी सो इम्यून सिस्टम इस कंडीशन में क्या करता है नॉर्मली इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है कोई भी एंटीजन या फिर फॉरन सबस्टांस हमारी बॉडी में जब एंटर होता है या फिर हमारी बॉडी में ही कोई हार्मफुल सब्स्टांस एंटर होता है या प्रेजेंट होता है तो उसको इम्यून सिस्टम उसके लिए एक्शन परफॉर्म करता है उसके अगेंस्ट और उसको किल करता है लेकिन र्यूमैटिक फीवर में क्या होता है र्यूमेटिक फीवर एक ऑटो इम्यून डिसीज़ कंडीशन है इसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अपने ही बॉडी बॉडी सेल्स सेल्स को जो हमारी के हैं उसको अटैक करना स्टार्ट कर देता है इसलिए ये क्या है ऑटो इम्यून डिसीज कंडीशन है ये मैं फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि ये ऑटो इम्यून कैसे है नेक्स्ट इज इंफ्लामेटरी डिसीज कंडीशन नाउ दिस इज ऑल्सो एंड इन्फ्लामेट्री डिसीज़ कंडीशन नाउ ये इन्फ्लामेटरी डिसीज कंडीशन क्यों है इन्फ्लामेशन कब होती है या तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है कोई फॉरन सब होता है तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उसके लिए रिएक्ट करता है सो so, इसी तरह से ये भी एक कि डिसीज कंडीशन हमारा इम्यून रिस्पॉन्स इसमें एक्ट करता है और इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में कोज होती है नाव इसमें होता क्या है ये कैसे डेवलप होती है सो रिमेटिक फीवर डिवेलप एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्यों डेवलप होती है ये एक कॉम्प्लिकेशन है यूमेटिक फीवर एक कॉम्प्लिकेशन है किसकी स्टेप्टोकोकस इंफेक्शन की नाउ जब स्टेप्टोकोकस इंफेक्शन होता है हमारी बॉडी में सो so स्टेप्टोकोकस क्या है एक बैक्टीरिया है और कौन सा बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है अगर ये इन्फेक्शन अनट्रीटेड रह जाए या कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो ये न्यूमैटिक फीवर में चेंज हो सकता है नाउ स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन भी कौन सा दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सच स्ट्रेप थ्रोट सो कंडीशन क्या है थ्रोट हमें कॉमनली स्ट्रेप थ्रोट हो जाता है स्ट्रेप थ्रोट क्या होता है इसको फेरेंजाइटिस भी बोलते हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होती है सो so फेरेंजाइटिस के हमारे फेरिंग्स में इंफ्लामेशन हो जाना बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया नाउ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया भी कौन सा है ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस जिसको बोलते हैं जी ए बी एच एस ग्रुप ए सो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर क्या है स्टेप्टोकोकस की कई कैटेगरीज हैं ग्रुप ए बी सी डी एंड सो ऑन लेकिन यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया की बात हो रही है ग्रुप ए स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन की तो ग्रुप ए क्या है ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन है बीटा हीमोलिटिक या फिर हीमोलिटिक इसको क्यों बोला है हीमोलिटिक का मतलब है आरबीसी का ब्रेक डाउन सो ये क्या करता है स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन जब आ, ब्लड अगार प्लेट पर इसका कल्चर करते हैं या फिर इसको ग्रो करवाते हैं तो ये आरबीसी का हिमोलिसिस करता है इसलिए इसको हीमोलिटिक स्टेप्टोकोकस कहते हैं सो स्ट्रेप थ्रोट किसकी वजह से होता है स्ट्रेप थ्रोट कॉमनली हो जाता है चिल्ड्रन में भी हो जाता है ये अपने यहाँ आप भी सही हो जाता है ट्रीट हो जाता है या फिर हमें एंटीबायोटिक्स देकर भी इसको ट्रीट करना पड़ता है ज़्यादातर केसेस में स्ट्रेप थ्रोट र्यूमैटिक फीवर में कन्वर्ट नहीं होता लेकिन बहुत कम चांसेस हैं फ्यू परसेंट में क्या होता है स्टेप थ्रोट र्यूमेटिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है न्यूमैटिक फीवर एक कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रेप थ्रोट की तो स्ट्रेप थ्रोट किसकी वजह से होता है ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से और या फिर स्ट्रेप थ्रोट के बाद क्या आता है स्कारलेट फीवर सो स्कारलेट फीवर क्या है लेस कॉमनली वेरी लेस कॉमनली अब स्कॉलेट फीवर क्या होता है एक बार पर्सन को स्ट्रेप थ्रोट हुआ स्ट्रेप थ्रोट मीन्स उसके थ्रोट में इंफ्लामेशन हुई फेरिंग्स में इंफ्लामेशन हुई या उसको टॉन्सिलाइटिस हुआ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से सो स्ट्रेप थ्रोट में क्या होता है सोर थ्रोट हो जाता है स्क्रैची थ्रोट हो जाता है उसके बाद अगर स्ट्रेप थ्रोट ट्रीट नहीं होता तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है स्कारलेट फीवर नाउ स्कारलेट फीवर में क्या होता है हमारी बॉडी में रेड कलर के रैशेज हो जाते हैं साथ में फीवर होता है तो लेस कॉमनली स्कॉलेट फीवर भी र्यूमेटिक uh, फीवर में कन्वर्ट हो सकता है नेक्स्ट इज टू टू थ्री वीक्स आफ्टर द ग्रुप ए स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन नाउ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इसको क्या बोलते हैं गैस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया इन्फेक्शन दैट कोजेस इंफ्लामेटरी लीजं इन कनेक्टिव टिश्यू नाउ होता क्या है सपोज uh, किसी पर्सन को स्ट्रेप थ्रोट हुआ है अब वो स्ट्रेप थ्रोट किसकी वजह से होता है गैस की वजह से गैस मीन्स ग्रुप ए स्टेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से ये होता है नाउ अगर तो ये ट्रीट हो गया तो नो प्रॉब्लम कॉमनली हो जाता है लेकिन अगर ये अनट्रीटेड रह गया सो इफ इट लेफ्ट अनट्रीटेड सो ये क्या न्यूमैटिक फीवर में कन्वर्ट हो सकता है नाउ अब रोमैटिक फीवर में क्या होता है कोजेस इंफ्लामेटरी लेजेंस सो सबसे पहले अगर स्टेप थ्रोट हुआ सो so, स्टेप थ्रोट के टू टू थ्री वीक्स आफ्टर दो या तीन या फिर दो या चार हफ्ते बाद ये जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकल इन्फेक्शन है ये क्या है? Causes inflammatory lesions. Inflammation cause करता है कोजेज इंफ्लामेटरी लेजेंस इंफ्लामेशन कोज करता है किसमें कनेक्टिव टिश्यूज में सो कनेक्टिव टिश्यूज कहाँ पर है हार्ट सो मेनली हार्ट देन ज्वाइंट्स ज्वाइंट्स मेनली देन ब्रेन ब्लड वेसल्स एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज सो हार्ट जॉइंट्स ब्रेन एंड ब्लड वेसल्स के कनेक्टिव टिश्यू एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को भी ये अफेक्ट करता है सो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन स्पेशली ग्रुप ए स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन्फेक्शन होने के बाद एंट्री होने के बाद दो या तीन हफ्ते के बाद दो या चार हफ्ते के बाद इन्फ्लामेशन कोर्स करता है कनेक्टिव टिशू में किसके हार्ट के कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स ब्रेन के कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेजल्स एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू को सो so, कितने सारे ऑर्गन्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं कितने सारे सिस्टम यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं इसलिए ये क्या है मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिसीज कंडीशन है सो रोमैटिक फीवर हमें क्लियर हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑटो इम्यून डिसीज़ कंडीशन जिसको मैं लेटर ऑन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि ऑटो इम्यून कैसे है यानी ये इन्फ्लामेशन कोस करता है इंफ्लामेटरी डिसीज है किसकी वजह से होता है स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन स्टेप्टोकोकल बैक्टीरिया और कौन सा स्टेप्टोकोकल ग्रुप ए स्टेप्टोकोकल ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्टेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से होता है स्टेपथ्रोट स्टेप थ्रोट क्या है ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्टेप्टोकोकस की वजह से होता है स्टेपथ्रोट या फिर स्कारलेट फीवर की यह कॉम्प्लीकेशन है अगर ट्रीट नहीं हो पाता तो ये डेवलप हो सकता है रोमैटिक फीवर में नाउ मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन अब ये किस में होता है मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में फाइव टू फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड सो मोस्ट कॉमनली ये पाँच से पंद्रह साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ही होता है क्यों क्योंकि इनमें स्ट्रेप थ्रोट होना बहुत ही कॉमन है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन है फाइव टू फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड में वैसे ये अडल्ट में भी हो सकता है बट कॉमनली फाइव टू फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड में होता है तो हमें पता लगे कि रोमैटिक फीवर एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है कनेक्टिव टिश्यूज़ को इन्वॉल्व करता है इन्फ्लामेटरी डिसीज है हार्ट जॉइंट्स ब्रेन ब्लड वेसल एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज को नाउ कोजेज एंड रिस्क फैक्टर्स इसकी क्या है कोजेज एंड रिस्क फैक्टर में फर्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन आफ्टर थ्रॉट इन्फेक्शन और स्कालेट फीवर सो थ्रॉट इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशन थ्रॉट इन्फेक्शन कौन सा स्ट्रेप थ्रोट स्ट्रेप थ्रोट मतलब जो थ्रोट इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस ए बैक्टीरिया या फिर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है या फिर स्कॉलेट फीवर देन आता है कोज बाय ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है जी ए बी एच एस दैट इज ग्रुप ए बीटा बीटाइमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से देन आता है फैमिली हिस्ट्री सो ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है कैसे सपोज एक जनरेशन में कोई एक पर्टिकुलर जीन है सो अगर वो जीन किसी पर्टिकुलर जनरेशन या फिर फैमिली में है तो वो जीन उनको ज्यादा ससेप्टिबल बनाता है रोमैटिक फीवर के लिए इट मीन्स अगर उनके पास वो जीन है तो वो जो फैमिली है वो जनरेशन जो है उसको ज़्यादा चांसेस है रोमैटिक फीवर होने के ज्यादा चांसेस है कि उनका स्टेप थ्रोट है या फिर स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए किसमें में रोमैटिक फीवर में सो दैट इज फैमिली हिस्ट्री देन ओवर क्राउडिंग ओवर क्राउडिंग ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है ओवर क्राउडिंग है अगर ज्यादा भीड़ भाड़ है तो चांसेस है कि जो स्टेप स्ट्रेप इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजिली ट्रांसमिट हो जाए देन पुअर सैनिटेशन पुअर सैनिटेशन इज अनहाजीनिक कंडीशन है तो भी स्ट्रेप थ्रोट जल्दी बढ़ता है जल्दी ग्रो होता है और ज्यादा सीवियर हो जाता है

इंफेक्शन रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है और अगर ये बार बार हो रहा है कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है किसमें र्यूमेटिक फीवर में र्यूमैटिक फीवर इसकी वजह से हो सकता है नाउ नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस ऑफ र्यूमेटिक फ़ीवर नाउ र्यूमेटिक फीवर कैसे डेवलप होता है इसकी पैथोजेनेसिस को हम डिस्कस करेंगे तो उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि ओटो इम्यून डिसीज कंडीशन कैसे है कनेक्टिव टिश्यूज को कैसे अफेक्ट करती है नाउ देर इज नो डायरेक्ट इन्वेजन टू द टिश्यूज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाव हमने पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा अफेक्ट कर रहा है र्यूमैटिक फीवर में दैट इज ग्रुप ए स्टेप्टोकस बैक्टीरिया सो गैस सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया ये डायरेक्टली टिश्यूज में इन्वेट नहीं करता मीन जो डायरेक्टली कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू ब्रेन के हार्ट के जॉइंट्स के तो इनमें ये डायरेक्टली एंटर नहीं करता ये कैसे डेवेलप होती है रोमैटिक फीवर बट इट्स एंड ऑटो इम्यून डिसीज़ दैट इन्वॉल्व एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन सो ये क्या है एक ऑटो इम्यून डिसीज़ कंडीशन है ऑटो इम्यून का क्या मतलब है मैंने पहले ही बताया कि हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स हमारे ही बॉडी सेल्स को अटैक कर रहा है सो so, ये कैसे होता है बाई एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रेक्शन एंटीजन एंटीबॉडी का क्या मतलब है कि जो हमारे बॉडी में एंटीजन एंटर किया है एंटीजन कौन सा है ग्रुप ए बैक्टीरिया उसकी किसके साथ होती है एंटीबॉडीज के साथ जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज है और जो एंटीजन है उनकी इंट्रैक्शन के कारण ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है कैसे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकल फेरेंजियल इंफेक्शन सबसे पहले क्या हुआ फेरेंजियल इन्फेक्शन हुआ फेरेंजियल इन्फेक्शन मीन्स स्ट्रेप थ्रोट सो स्टेप थ्रोट होना जरूरी है स्टेप थ्रोट हुआ जब तो उसके बाद ही ये डेवलप होगी सो स्टेप थ्रोट होने के बाद स्टेप थ्रोट किसकी वजह से हुआ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से उसके बाद क्या होगा बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्टेप्टोकोकाई तो हमारी बॉडी क्या करेगी अब स्टेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी इट मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गया नाउ दीज एंटीबॉडीज़ क्रॉस रिएक्ट विद ह्यूमन टिश्यूज़ अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं एंटीजन के साथ तो रिएक्ट कर रही हैं बट हमारे जो ह्यूमन टिश्यूज़ हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रही हैं उनके अगेंस्ट भी वर्क कर रही हैं क्यों बिकॉज ऑफ द एंटीजन सिमिलैरिटी बिटवीन स्टेप्टोकोकल कॉम्पोनेन्ट्स एंड ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यूज़

इसमें कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमारा जो ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसमें भी सेम कंपोनेंट है तो हो गई मिमिक्री मिमिक्री मतलब बैक्टीरिया में भी एक ऐसा कंपोनेंट है और ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यू में भी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सिमिलर है और ये कॉम्पोनेंट क्या है अमाइनो एसिड की सीक्वेंस so, जो एंटीजन है एंटीजन सपोज ये हमारा एंटीजन है राइट right, ये क्या है स्टेप्टोकोकल बैक्टीरिया है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया और सपोज ये हम हार्ट ले लेते हैं अभी फॉर फॉर एग्जांपल हार्ट में भी आ, एक ऐसा कंपोनेंट है तो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस एंटीजन के अंदर है सेप्टकोकल बैक्टीरिया के अंदर है वही कनेक्टिव टिश्यू हार्ट के अंदर है जो हार्ट का कनेक्टिव टिश्यू है उसमें भी सेम अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है तो इट मीन्स प्रोटीन सिमिलर है इट इसलिए क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है कन्फ्यूज हो जाता है जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ है वो कन्फ्यूज़ हो जाती हैं वो एंटीजन को भी अटैक करती हैं और जो हमारे ह्यूमन टिश्यूज़ है कनेक्टिव टिश्यूज़ है हमारे ह्यूमन बॉडी के उसको भी अटैक करती हैं तो इसको बोलते हैं मॉलिकुलर मिमिक्री मीन्स दोनों मॉलिक्यूल सेम है हमारे ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यूज में भी वो मॉलिक्यूल सेम है और एंटीजन के अंदर भी सेम है नाउ क्या होता है इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड इंफ्लामेशन एंड डैमेज अब क्योंकि डैमेज एंटीजन को भी हो रहा है और हमारे कनेक्टिव टिश्यू जो ह्यूमन के कनेक्टिव टिश्यू हैं उसको भी हो रहा है तो इसको क्या बोला है इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड क्यों क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी ने ही किया है इन्फ्लामेशन एंड डैमेज इंफ्लामेशन कोस किया है एंड डैमेज कोस किया है जिसलिए ये क्या है ऑटो इम्यून डिसीज कंडीशन है टू ह्यूमन टिश्यूज ऑटो इम्यून क्यूँ है ये ह्यूमन टिश्यूज को भी डैमेज कोस करिए इन्फ्लामेशन कोस करिए विच हैव एंटीजेनिक सिमिलैरिटी विथ स्टेप्टोकोकल कॉम्पोनेट्स सो so, जो स्टेप्टोपल बैक्टीरिया में जो कॉम्पोनेंट्स हैं वही सिमिलैरिटी किस में है हमारे ह्यूमन टिश्यूज़ में भी सिमिलर कॉम्पोनेंट है इसलिए क्या हो गई सिमिलैरिटी हो गई एंटीजन के बीच में और हमारे ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज़ के बीच में सो so, अब ये कनेक्टिव टिश्यू कौन से को अफेक्ट करेगा हार्ट के कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट ब्रेन्स के कनेक्टिव टिश्यू और इवन सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को भी दीज uh, एंटीबॉडीज़ विल अफेक्ट तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीजन के अगेंस्ट तो कर ही रहा है वर्क लेकिन हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको भी इन्फ्लामेशन कोर्स कर रहा है डैमेज कोर्स कर रहा है सो so, इन्फ्लामेशन और डैमेज होगा तो क्या होगा फीवर डेवलप होगा और कौन सा फ़ीवर दैट इज़ रोमैटिक फीवर सो रोमैटिक फ़ीवर क्या है जो हार्ट जॉइंट्स ब्रेन सबक्यूटेनियस टिश्यू सो मल्टी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है मल्टी सिस्टम के कनेक्टिव टिश्यू को इन्वॉल्व करता है इन सिस्टम में इंफ्लामेशन कोस करता है डैमेज कोस करता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं ऑटो इम्यून एंड इंफ्लामेटरी रूमैटिक सो नेक्स्ट इज सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ र्यूमैटिक फीवर सो अगर हम एक रेंज लगा के चलें वैसे टू 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 फोर वीक्स अगर आपको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके टू तो टू तो तो फोर वीक्स बाद आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है र्यूमैटिक फीवर की बट अगर हम एक रेंज लगा के चलें कम से कम या कम ज्यादा से ज्यादा देन यूजली बिगेन वन टू सिक्स वीक्स आफ्टर तो वन टू सिक्स वीक्स आफ्टर यू हैड अ स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन और स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन कौन सा ग्रुप ए स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन के वन टू सिक्स वीक्स के बाद आपको ये कॉम्प्लिकेशन हो के रोमैटिक फीवर हो सकता है सो रोमैटिक फीवर बेसिकली किस किस को इफेक्ट करता है उसके बेसिस पर मैंने कैटेगराइज किए हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सो फर्स्ट आता है हार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो हार्ट के कनेक्टिव टिश्यू को ये इफेक्ट करता है रोमैटिक फीवर सो उसमें क्या होगा कार्डाइटिस सो व्हाट इज कार्डाइटिस कार्डाइटिस मींस जो हार्ट की थ्री लेयर्स हैं हार्ट की थ्री लेयर्स कौन सी हैं पेरिकार्डियम मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम जो कि सबसे इनर है पेरिकार्डियम आउटर एंड मायोकार्डियम मिडल सो इनमें क्या हो जाती है इन्फ्लामेशन इसको बोलते हैं कार्डाइटिस सो इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट लेयर पेरीकार्डियम में इन्फ्लामेशन होगी सो पैरीकार्डाइटिस मायोकार्डियम में तो मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डियम में तो एंडोकार्डाइटिस सो मायोकार्डियम में अगर इन्फ्लामेशन होती है तो स्कार टिश्यूज वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं सो एंडोकार्डियम में जब इन्फ्लामेशन होती है तो क्या होते हैं क्योंकि एंडोकार्डियम किस को लाइन है जो हार्ट के वॉल्व है सो so वॉल्व्स को लाइन कर रही है इसलिए वॉल्स में स्वेलिंग हो जाती है डिसफंक्शन हो जाते हैं वो डैमेज हो जाते हैं कैसे स्पेसिफिकली uh, अगर हम वॉल्स की बात करें तो मिटरल वॉल्स ज़्यादा इफेक्ट होता है देन इन वॉल्स में थिकनिंग हो जाती है थिक हो जाती है फाइब्रोसिस हो जाती है हार्डनिंग हो जाती है इसमें जिससे क्या होता है कि ये कम्प्लीटली या तो खुल नहीं पाते कंप्लीटली या कंप्लीटली बंद नहीं हो पाते तो उसकी वजह से क्या होगा तो वॉल्स अगर कंप्लीटली बंद नहीं हो पाएंगे या फिर कंप्लीटली नहीं खुल पाएंगे तो या तो आगे फ्लो नहीं जा पाएगा या फिर अगर जो आगे ब्लड जा चुका है वो दोबारा वापस बैक फ्लो होगा जिसको क्या बोलते हैं रीगर्जिटेशन ऑफ ब्लड तो रीगर्जिटेशन ऑफ ब्लड हो सकता है नाउ इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है सीवियर केसेस में हार्ट फेलियर भी हो सकता है इसलिए रोमैटिक फीवर अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो पर्सन की डेथ भी हो जाती है सो so, ये हार्ट पर इफेक्ट होगा कि पैरिकार्डाइटिस होगा देन जॉइंट्स जॉइंट्स में क्या इफेक्ट होगा ये सेवरल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है मल्टीपल जॉइंट्स को सो आर्थ्रेलजिया आर्थरेलजिया क्या है जॉइंट्स में पेन होना सो सीवियर जॉइंट पेन होगा सो so, ये पोलियर्थराइटिस पोलियर्थराइटिस मीन्स पोलीमीन्स मैनी सो मैनी जॉइंट्स को ये इन्वॉल्व uh, करता है बट मेनली साइनोवियल जॉइंट्स को सो so, जो मेनली जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारा नी जॉइंट है, 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 है तो इन्वॉल्व so, तो कर नी जॉइंट से सपोज ठीक हो, हो गया देन हमारे एंकल में होने लग गया रिस्ट में होने लग गया तो ये माइग्रेटिंग है जॉइंट पेन ये माइग्रेट होता है और ये सीवियर होता है ब्रेन अब ब्रेन को जब ये इफेक्ट करेगा ब्रेन के कनेक्टिव टिश्यू को सो so बेसिकली करता है. So, basal में एक सेंटर होता है सर्किट होता है तो मोटर सर्किट को ये करता है, जिसकी वजह से यह इनवॉल्यूट्री और जर्की मूवमेंट देखने को मिलते हैं अगर ये के को करता है. जिसको क्या बोलते हैं सिडेनेम्स कोरिया या फिर सिंपल कोरिया नेक्स्ट आता है हमारा स्किन अब स्किन को भी ये अफेक्ट कर स्किन को जब अफेक्ट करेगा तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एरिया ऑफ रेडनेस ऑफ द स्किन नाउ रेडनेस मीन्स स्किन रैशेज देखने को मिलेंगे सो रेड स्किन रैशेज देखने को मिलेंगे नाउ ये रैशेज कैसे होंगे ये रैशेज जो मिडल है सेंटर है वहाँ से हील हो जाएंगे लेकिन जो मार्जिनस हैं इनके वहाँ पर ये अभी भी इन्फ्लामेशन रहेगी वो इन्फ्लेम्ड रहेंगे मार्जिनस इसलिए इसको क्या बोलते हैं एरिदमा मार्जिनेटस एटर्स मीन्स मार्जिन से अभी भी वो रेडनेस रहेगी इन्फ्लामेशन रहेगी सेंटर से ये हील हो जाएंगे देन आता सबक्यूटेनियस टिश्यू सबक्यूटेनियस टिश्यू को अफेक्ट करेगा तो क्या आएगा सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स नाउ नोड्यूल्स क्या है बम्स सो so, नोड्यूल्स नजर आएंगे बम्स नजर आएंगे और ये स्मॉल होंगे प्लस पेनलेस होंगे ये पेन नहीं करेंगे जिनको क्या बोलते हैं एश ऑफ बॉडीज बोलते हैं नाउ अदर सिम्टम्स के होंगे लो ग्रेड फीवर तो लो ग्रेड फीवर भी रहेगा देन इरेगुलर हार्ट रिदम इरेगुलर हार्ट रिदम क्यों रहेगा बिकॉज ऑफ कार्डाइटिस क्योंकि हार्ट की जो लेयर्स है उनको उसको इफेक्ट कर रहा है उसमें इंफ्लामेशन कोज कर रहा है ऑटो इम्यून इंफ्लामेटरी डिसीज कंडीशन है रोमैटिक फीवर सो दिस इज द पार्ट वन ऑफ रिमैटिक फीवर द लिंक ऑफ पार्ट टू विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इफ यू अंडरस्टुड दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ऑल्सो डू सपोर्ट वेमन एम्पावरमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग